आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का ज्योग्राफी चैप्टर 1, जिसका नाम होगा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये जो चैप्टर है ये बाकी से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। हम इस चैप्टर को विजुअल और एनिमेशन के जरिए बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में समझने जा रहे हैं। दोस्तों, जो हमारी प्रकृति होती है वो बहुत सारी चीज़ें उसमें हमको देखने को मिलती, जैसे वाटर, फॉरेस्ट, सॉयल, विंड और एनिमल्स, ये सब कहलाती हैं रिसोर्सेज। इसी रिसोर्सेज को हम संसाधन कहते हैं। इन रिसोर्सेज के द्वारा हम अपनी ज़रूरतों को हम अपने काम में ला सकते हैं। उस रिसोर्स तक पहुंचने के लिए हमारे पास टेक्निकली हम पहुंच सकते हैं, तो वो रिसोर्स कहलाता है। दूसरा कहलाता है उस रिसोर्स से इकोनॉमिकल हमको प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि फ़ायदेमंद होना चाहिए। और तीसरी है कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एक्सेप्टेबल का मतलब है कि उस चीज़ से हमको फ़ायदा ही होना चाहिए, लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर यही तीनों चीज़ें अगर हैं उस चीज़ में, तभी वो रिसोर्स मानी जाएगी। इसीलिए तो हम कह सकते हैं एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्निकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली acceptable, it is called resource। आया समझ? इस डायग्राम को ध्यान से देखिए जो कि आपके बुक में दिया गया है। इसमें ऊपर की साइड नेचर है और दूसरी साइड टेक्नोलॉजी है और तीसरी साइड इंस्टीट्यूशन है और सेंटर में ह्यूमन बींग्स। ये डायग्राम बेसिकली दो चीज़ें बता रहा है। पहला ये है कि जो टेक्नोलॉजी है, नेचर है और इंस्टीट्यूशन है, वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। दूसरी, ये ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं नेचर को टेक्नोलॉजी के साथ और डेवलप करते हैं इंस्टीट्यूशंस को, जिससे क्या होता है कि पैसे आते हैं और पूरी कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को चार भागों में विभाजित किया गया। ये चार भाग हैं, जो कि पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप और चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसके ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से दो प्रकार से रिसोर्सेज को बांटा जा सकता है। पहला बायोटिक रिसोर्सेज, दूसरा एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि बायोस्फीयर में मिलती है और उनके पास लाइफ होती है, जैसे प्लांट्स, फिशेस, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एटसेट्रा। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड कंटेन लाइफ आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट है एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज जो है वो नॉन लिविंग थिंग से बनी होती हैं, मतलब जिनके पास लाइफ नहीं होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल रॉक्स, मेटल्स, वाटर, सॉयल, मिनरल्स एटसेट्रा। तो इनके पास जब लाइफ नहीं होती है तो हम ये लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड डू नॉट कंटेन लाइफ आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन की, जिसका नाम होगा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे भी रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं। पहली रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जिनको हम आसानी से रिन्यू कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होती है, जो हमेशा अवेलेबल रहती है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी एटसेट्रा। तो ये सब जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाती हैं, क्योंकि इनको आसानी से रिन्यू किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूव्ड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नाउ वी टॉक अबाउट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि आसानी से रिन्यू नहीं हो सकते हैं। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं दोबारा डेवलप होने में, फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मेटल्स, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिन्यूव्ड और रिप्रोड्यूस्ड इमिडिएटली वंस दे आर एग्जॉस्टेड, दे टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रीजनरेटेड आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स। अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड रिसोर्सेज की, जिसका नाम होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में, इसलिए चार प्रकार का है। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दूसरा है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, तीसरा है नेशनल रिसोर्सेज और चौथा है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज की, जिसको कोई एक व्यक्ति ऑन करता है प्राइवेटली। प्राइवेट उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो वो उसकी इंडिविजुअल रिसोर्स होगा, फॉर एग्जाम्पल प्लॉट, फील्ड, हाउस, बुक, कार, वैन,
ईटी से। ये सब इंडिविजुअल रिसोर्सेज कराते हैं क्योंकि इस पे कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति का ही इस पे आधिपत्य रहता है, वो उसका मालिक होता है। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्स का मतलब यही हुआ कि एक व्यक्ति के लिए नहीं, वो पूरी कम्युनिटी के लिए रिसोर्स हो। जैसे पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, पॉन्ड्स, प्लेग्राउंड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ये सब कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज होती हैं। तो हम कह सकते हैं द रिसोर्सेज विच ओन्ड बाय कम्युनिटी और सोसाइटी आर कॉल्ड कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज। अगर हम देखें टेक्निकली कि जितनी भी देश में पाई जाने वाली जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो नेशनल रिसोर्सेज होती हैं, चाहे वो किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो। और हाँ, गवर्नमेंट को एक लीगल पावर होती है कि किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो एक्वायर कर सकती है आम जनता के भले के लिए, बट गवर्नमेंट उसके लिए एक फेयर कंपनसेशन भी देती है। इसके अलावा देश में पाए जाने वाले मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सभी नेशनल रिसोर्सेज के ही पार्ट हैं। साथ में लाइन से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स 2.2 किलोमीटर तक का एरिया होता है, वो भी नेशनल रिसोर्सेज का ही पार्ट होता है। लिख सकते हैं ऑल द रिसोर्सेज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। सब ऐसी रिसोर्सेज जो देश के गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है हम नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं किसी एक देश का कंट्रोल नहीं होता है, एक देश किसी अपनी मर्जी से इस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता है। इन रिसोर्सेज को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करती हैं। जैसे क्वेश्चन लाइन से 100 नॉटिकल माइल्स तक बाहर वाला जो एरिया होता है जिसे ओपन सी भी बोलते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज में ही आता है। अगर किसी कंट्री को इस इंटरनेशनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होता है तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस से परमिशन लेनी पड़ती है। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच आर नॉट ओन्ड बाय एनी स्पेसिफिक कंट्री विच रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। आया समझ में। बात करते हैं फोर्थ वे ऑफ क्लासिफिकेशन की, वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के ऑफ डेवलपमेंट जो है वो चार प्रकार के होते हैं। पहली पोटेंशियल रिसोर्सेज, दूसरा डेवलप्ड रिसोर्सेज, तीसरा स्टॉक और चौथा रिजर्व। पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज की, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। एग्जाम्पल है गुजरात और राजस्थान का। और राजस्थान में क्या होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है और हवाएं चलती हैं। वहाँ क्या कर सकते हैं, तो धूप के लिए हम सोलर प्लांट्स लगा सकते हैं, इसके लिए विंड टर्बाइंस लगा सकते हैं। क्या होगा, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ऐसा हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इन मशीन्स को इस्टेब्लिश करने में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना होता है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। मतलब ये है कि गुजरात और राजस्थान जैसी जगहों पर पोटेंशियल है, लेकिन क्षमता है एनर्जी को डेवलप करने की, लेकिन टेक्नोलॉजी महंगी होने के कारण इस्तेमाल उन्हें नहीं कर सकते हैं। ऐसी रिसोर्सेज को हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन, यानी कि रिसोर्सेज हमारे रीजन में उपलब्ध हैं एंड दे हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, की क्षमता है हमारी जरूरतों को पूरी करने की, बट देयर यूटिलाइजेशन हैज नॉट बीन स्टार्टेड, यानी इनका अभी हम उपयोग करना अभी हमने शुरू नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही महंगी है, एक्सपेंसिव है। आया समझ में। इसका एग्जांपल है, एग्जांपल लिख सकते हैं गुजरात एंड राजस्थान हैव पोटेंशियल फॉर सोलर एंड विंड एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा डेवलप्ड रिसोर्सेज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डेवलप्ड हो चुकी हूँ वो रिसोर्सेज जो कि डेवलप हो चुके हैं, जिनका सर्वे हो चुका है, जिनकी क्वालिटी क्वांटिटी ने पता कर ली है, इन रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। रिसोर्सेज को हम डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, आयरन, रिवर्स, ये सब डेवलप्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं द रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैज बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन एंड दे आर करंटली यूज्ड बाय ह्यूमंस, सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्सेज। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक रिसोर्सेज। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। एक वाटर होता है जैसे पानी H2O, दो चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें एक H2 है और दूसरा 2 यानी कि ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरत की चीजें हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक अच्छा फ्यूल है और ऑक्सीजन आप जानते ही हैं, हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों हमारे लिए बहुत अच्छे रिसोर्सेज बन सकते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको हम वाटर से हम दोनों ही रिसोर्सेज को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते
पाएं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे रिसोर्सेज तो है इंसानी जरूरतों को पूरा करने का, उन रिसोर्सेज को एक्सेस के लिए टेक्नोलॉजी ही नहीं है हमारे पास। रिसोर्सेज को हम स्टॉक रिसोर्सेज कहते हैं। लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट देयर इज नो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम। एग्जाम्पल है एक्सट्रैक्टिंग O2 एंड H2 फ्रॉम H2O। लास्ट है हमारा रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, पर इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम जानबूझ के नहीं करते हैं। हमने इन रिसोर्सेज को रिजर्व करके रखा है फ्यूचर की जरूरतों को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल डैम्स के अंदर जो पानी होता है, जो फॉरेस्ट होते हैं, उन्हें हमने रिजर्व कर रखा है फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए। हम उन रिसोर्सेज को थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो उनका हम इस्तेमाल कर सकें। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच कैन बी यूटिलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट वी डू नॉट यूज़ देम बिकॉज वी केप्ट देम फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट। आया समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो हम ये बात तो जानते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए कितनी आवश्यक हैं, क्योंकि ये हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। लेकिन इंसानों ने क्या किया है, इनको इन ज़रूरतों को डिस्क्रिमिनेट के तरीके से यूज़ किया है, यानी इन रिसोर्सेज को अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल किया है। इस वजह से आज हमको कई तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अब क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं ये देखते हैं। प्रॉब्लम कॉज्ड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो बेसिकली हमको तीन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। पहली है, कुछ लालची लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए इन रिसोर्सेज का यूज़ किया है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। दूसरी यह है कि वो रिसोर्सेज कुछ ही लोगों के पास पहुंचती जा रही हैं, वजह से जो सोसाइटी है वो दो हिस्सों में बट गई है कि रिच और पुअर, यानी कि गरीब और अमीर। खुद ही सोचो, जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगी वो ज़्यादा होता जाएगा, और जिसके पास कम हो रिसोर्सेज होंगी वो गरीब होता जाएगा। बस इसी तरीके से जो समाज है हिस्सों में बटती जा रही है। तीसरा है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटसेट्रा। दूसरा सवाल ये उठता है कि यह है कि हम इन रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। माया जिस उस टर्म का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो, इस तरीके से करो कि हमारा एनवायरनमेंट डैमेज ना हो और आने वाली फ्यूचर जनरेशन है के लिए भी रिसोर्सेज हमारे बचे रहें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इस तरीके से लिख सकते हैं, द रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन सच अ वे दैट आवर एनवायरनमेंट इज नॉट डैमेज्ड एंड द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन आर नॉट कम्प्रोमाइज्ड, दिस कॉल्ड ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा सवाल ये उठता है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया था वो आया कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुई, हुआ क्या था। 1992 में एक मीटिंग हुई थी, रियो डी जेनेरो अर्थ समिट, दुनिया का पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था। तो ये कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में एक जगह है, जेनेरो ब्राज़ील में है, पर एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग में 100 से ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट यानी कि भाग लिया था। इसका रीज़न क्या था इस मीटिंग को करने का, हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं क्या क्या समाधान हो सकता है, इस पर डिस्कशन करना, विश्व स्तर पर इसका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, रीजन था। ये एक मीटिंग होती है कि आपस में डिस्कशन करते हैं और अपने विचार रखते हैं। बाद इस मीटिंग का रिजल्ट आता है, क्या आता है देखो। पहला, देश जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताते हैं। देशों के लीडर्स ये सहमति जताते हैं जंगलों का हम सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इनकी हम रक्षा करेंगे, और ये दूसरे देशों को भी प्रेरित करेंगे। इसी एजेंडे को हम सभी लोग अपनाते हैं। अब ये सवाल ये उठता है कि ये जो एजेंडा 21 है ये है क्या चीज़। एजेंडा 21 एक डिक्लेरेशन था, जो कि एक घोषणा पत्र था, जो एनवायरनमेंट की अलग अलग प्रॉब्लम्स थी वो उन्होंने क्रिएट की थी, कैसे ख़त्म करना है और एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है, और इनके इसका एक ब्लूप्रिंट था। यह समझ में एजेंडा 21 था क्या। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो रिसोर्स प्लानिंग। इस टॉपिक का मतलब ही है कि रिसोर्स की प्लानिंग करना, इसको सही ढंग से इस्तेमाल करना। ये क्वेश्चन अराइज होता है कि रिसोर्स प्लानिंग करने की ज़रूरत क्या है, प्लानिंग क्यों की जाती है, इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ आपको। मान लो कि ये हमारी एक इंडिया है,
जैसे ही हमारी इंडिया है, इसमें झारखंड और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मिनरल्स और कोल पाया जाता है। जैसे हम बात करें राजस्थान की, वहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी काफ़ी मात्रा में है, वहाँ पर पानी की कमी है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, वहाँ पानी तो बहुत है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। कहने का मतलब ये है हमारे यहाँ रिसोर्सेज तो बहुत हैं लेकिन वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। इसलिए में रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर जिन जिन रिसोर्सेज की कमी है वहाँ उन रिसोर्सेज को पहुँचा पाएँ, ताकि किसी एक रीजन का नहीं पूरी कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो दोस्तों हम इस चीज़ को हमने जान लिया कि ये होती क्या है और ज़रूरी है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग होती क्या चीज़ है और कैसे होती है। देखो रिसोर्स प्लानिंग के लिए तीन स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। स्टेप में क्या क्या करते हैं देखें। पहले हम रिसोर्सेज के लिए सर्वे करते हैं, पे कौन से रिसोर्स उपलब्ध हैं उसके लिए हम मैपिंग करते हैं, और उसके बाद क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करते हैं, उसके बाद मेजरमेंट करते हैं, और उसके बाद उसकी लिस्ट बनाते हैं। सेकेंड स्टेप है हमारा इवॉल्विंग ए प्लान स्ट्रक्चर। रिसोर्सेज के लिए सारी हमने रिसर्च वगैरह कर ली, वहाँ पे कौन से रिसोर्स उपलब्ध हैं, अब बारी है उन रिसोर्सेज को बाहर निकालने की। इसलिए हम सेकेंड स्टेप में हम यही करते हैं, हम प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं हम कि उस रिसोर्स को निकालने के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, हम कौन से स्किल वाले लोग चाहिए, इसके लिए कौन कौन से किस किस तरीके के इंस्टीट्यूशन सेटअप करने हैं। थर्ड स्टेप है हमारा मैचिंग द रिसोर्सेज प्लान्स विद ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान्स। इस स्टेप में हम ये चेक करते हैं कि जो हमने रिसोर्स प्लान बनाया है वो प्लान जो है वो हमारा वो रिसोर्स प्लान से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कि मेरा मेन एप यही होता है कि जिन रिसोर्सेज को हम निकाल रहे हैं उस रिसोर्स से हमारी कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, ना कि नुकसान होना चाहिए। तो अब तो हम ये जान कर चुके हैं रिसोर्स प्लानिंग होती कैसे है, ये भी जान चुके हैं कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। दोस्तों जितनी ज़रूरी रिसोर्सेज होते हैं उतनी ज़रूरी टेक्नोलॉजी भी होती है। रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी कर पाएंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी तभी हम उनको एक्सट्रैक्ट और डेवलप कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि हमारी इंडिया के ऊपर 1947 पहले ब्रिटिशर्स का रूल था। दोस्तों आप ये बात भी जानते होंगे पर इंडिया को सोने की चिड़िया भी बोला जाता था। उस समय इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इंडिया के रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूज किया और पोर्ट किया, एक्सप्लॉयट किया। चलो देखे अगर हम तो इंडिया में आज के समय में रिसोर्सेज की कमी है, ऐसे में रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। रिसोर्सेज हैं तभी डेवलपमेंट है। के ऊपर गांधी जी ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए थे। उन्होंने कहा था कि हमारे पर्यावरण को किसी की जरूरतों के लिए रिसोर्सेज पर्याप्त हैं, लेकिन किसी की लालच के लिए संसाधन पर्याप्त नहीं है। लालच की कोई सीमा नहीं होती है। देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड्स बट नॉट फॉर एनीवनस ग्रीड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड रिसोर्सेज। लैंड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स। जमीन पर हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, खेती करते हैं, जमीन पर घर बनाते हैं, तक कि वर्ल्ड लाइफ है और फॉरेस्ट है वो भी हमारे लैंड पर ही निर्भर रहते हैं। इसलिए लैंड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो लैंड है रिलीफ फीचर्स में प्रेजेंट है, जिसमें 43% जो लैंड है वो प्लेन है, 30% जो लैंड है वो माउंटेन से घिरी हुई है, 27% जो रीजन है वो प्लेटू रीजन है। तो इस प्रकार से जो इंडिया की लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस प्रकार से लैंड का हमारे यहाँ है। तो लैंड हम यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो मतलब ये है कि लैंड का किन किन कामों के लिए हम यूज़ करते हैं। पहला है फॉरेस्ट, मतलब वो कि जहाँ पर घने घने जंगल पाए जाते हैं। दूसरा यह है कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब ऐसी ज़मीन जहाँ पर हम फसलें नहीं उगा सकते हैं। इसमें दो टाइप की लैंड आती हैं, पहली बैरन एंड वेस्ट लैंड मतलब जर जमीन, और दूसरी जहाँ पर बिल्डिंग हो और हो फैक्ट्रीज हो और ऐसी जगहों पर हम फसलें नहीं उगा सकते हैं। तीसरा है अनकल्टीवेटेड लैंड, नेक्स्ट आता है ग्रेजिंग लैंड पर गाय भैंस वगैरह जो है घास चरने जाती हैं। सेकेंड लैंड ऐसा आता है जहाँ पर मिसलेनियस ट्रीज होते हैं और इन ज़मीन को भी हम यूज़ नहीं करते हैं कल्टीवेशन के लिए। थर्ड आता है कल्टीवेटेबल वेस्ट लैंड, हम उस ज़मीन का जहाँ पर हम 5 साल तक फसल नहीं उगाए हैं और उस 5 साल को लिए हमें छोड़ रखी है, इस ज़मीन को हम कल्टीवेटेबल वेस्ट लैंड कहते हैं। हम बात करते हैं फैलो लैंड्स की, दो तरीके की होती हैं, पहला फैलो लैंड, दूसरी अदर देन करंट फैलो लैंड।
कल्टीवेटेड फ्रॉम वन ईयर, यानी कि करंट फैलो लैंड वो होती है जहाँ पर एक साल से ऊपर हमने फसल नहीं उगाई, तो उसको हम करंट फैलो लैंड कहेंगे। ऐसी लैंड जहाँ पर एक से पाँच साल तक कोई भी क्रॉप नहीं उगाई गई है, फसल नहीं उगाई गई है, उसे अदर देन करंट फैलो लैंड कहते हैं। तो इस प्रकार से अब हम बात करते हैं नेट सून एरिया की। नेट सून एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर साल में एक बार फसल जरूर उगाई जाती है, उसे नेट सून एरिया कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर साल में एक से ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं, यानी साल भर में एक से ज़्यादा फसलें हम उगा कर के पैदावार करते हैं, प्लस वो एरिया जिसमें साल में एक बार फसल उगाई जाती है। दोनों प्रकार की लैंड को हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहते हैं। एंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इससे रिलेटेड हम डाटा को आप देख सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैं आपको बताया गया है कि कितना कितना एरिया आपको कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, और इसी तरीके से 1962-1961 का दिया हुआ है, इस तरफ 2014-15 का डेटा दिया हुआ है। तो खाली देखना है, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि आपकी मर्जी है, करना हो तो कर लीजिए। पूरी इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हम जानते हैं, लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हो इतने एरिया में से केवल 93% एरिया का ही डेटा अवेलेबल है। 1% एरिया का डेटा हमारे पास प्रॉपर उपलब्ध ही नहीं है। इस 7% एरिया की हमने रिसर्च और इसका जो डेवलपमेंट है वो हम नहीं कर पाए, क्योंकि क्यों नहीं कर पाए, ये जो 7% एरिया है ये डिस्प्यूटेड है, यानी कि बाधित है। इसको हम इंडिया के डायग्राम की मदद से अच्छे से समझा पाऊंगा। इसमें इंडिया के मैप में देखिए, ऊपर का जो जम्मू कश्मीर का जो ऊपर का एरिया है वो पाकिस्तान और चाइना दोनों ने ऑक्यूपाइड कर रखा है। असम का जो एरिया है, कुछ एरिया है, वो भी चाइना ने ऑक्यूपाइड, यानी कि ये पूरा एरिया 7% एरिया कहलाता है, यूटिलाइज नहीं कर पाए, यही उसका हमारे पास पूरा प्रॉपर डाटा है। बाकी 93% एरिया है उसको हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं और प्रॉपर डाटा भी हमारे पास उपलब्ध है। नेट सोन एरिया है ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। बात करें पंजाब या हरियाणा की, तो वहाँ पर नेट सोन एरिया 80% से भी ज़्यादा है, कि वहाँ पर 80% से भी ज़्यादा एरिया में खेती होती है। हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, इन जगहों पर जो खेती होती है वो 10% से भी कम होती है। इन जगहों का जो नेट सोन एरिया है 10% से भी कम है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया का जो नेट सोन एरिया है हर एक स्टेट के अंदर ज़्यादा वैरी करता है, मतलब किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा फसल जाती है और स्टेट में बहुत कम फसल उगाई जाती है। हम लिख सकते हैं द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। समझ में? अब हम बात करते हैं वेस्ट एरिया की। अब इस डेटा को फिर से देखिए, उसको आप नोटिस करिए तो देखोगे जो 1962-61 में जो फॉरेस्ट थे 18.11% थे। हम बात करें 2014-15 की, समय के जो फॉरेस्ट थे 23.3%। का मतलब क्या है कि जो फॉरेस्ट थे वो इंक्रीज हुए। आप लोग कहोगे कि ये तो अच्छी बात है, दोस्तों जिस हिसाब से फॉरेस्ट बढ़ने चाहिए थे वो बढ़े नहीं। 23.3% एरिया फॉरेस्ट का है वो काफ़ी नहीं है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार किसी भी देश के अंदर 33% फॉरेस्ट एरिया होना ही चाहिए। देखिए फॉरेस्ट एरिया होना कितना चाहिए, 33%, लेकिन है कितना, 23.3%। इसका मतलब फॉरेस्ट एरिया बहुत ही ज़्यादा कम है। अभी हमें और भी पेड़ लगाने की आवश्यकता या ज़रूरत है। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो 33% है, कि 33% जो फॉरेस्ट एरिया है वो होना क्यों आवश्यक है। दो रीज़न है। पहला, इकोलॉजिकल जो रीज़न है वो बनाए रखने के लिए बैलेंस बनाना बहुत आवश्यक है। जंगलों के आसपास जो लोग रहते हैं, जो जीवन होता है भी ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है लोगों पर, तो पर्याप्त मात्रा में जंगलों को बहुत आवश्यक या ज़रूरत हो जाता है। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, तो समय के साथ क्या हो रहा है, लैंड जो है वो खराब होती जा रही है, यानी लैंड हमारी डिग्रेड होती जा रही है, इसी को लैंड डिग्रेडेशन बोला जाता है, यानी कि जमीन का खराब होना। तो हम लिख सकते हैं द डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड्स इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन। ये अराइज होता है कि लैंड डिग्रेडेशन हो क्यों रहा है, कौन कौन से कारण है जिससे जमीन हमारी खराब हो रही है जानते हैं। तो इसका जो पहला कारण है, यानी कि कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन का पहला कारण, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटान, यानी पेड़ों को काटना। मोस्टली जो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इसमें सबसे ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं। दूसरा है ओवर ग्रेजिंग। दूसरा ये था कि जो इसमें जो कैटल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा अपने ऊपर की घास खा लेते हैं, जो ऊपर की जो लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है। ओवर ग्रेजिंग सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई गई है। थर्ड है ओवर इरीगेशन,
खेतों में सबसे ज़्यादा हद से ज़्यादा पानी दे देना। सबसे ज़्यादा पानी दे देने से भी लैंड डिग्रेड हो जाती है, उससे लैंड जो है सैलाइन या एल्कलाइन हो जाती है। ज़्यादा ओवर इरिगेशन पंजाब हरियाणा या वेस्टर्न यूपी में देखने को मिलता है। चौथा है हमारा सीमेंट इंडस्ट्रीज जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट। मतलब होता क्या है कि जो सीमेंट इंडस्ट्री होती हैं काफ़ी ज़्यादा डस्ट निकलती है, उसमें बड़े बड़े पत्थरों को फोड़ा जाता है, जिस वजह से आसपास की जो ज़मीन होती है डस्ट इकट्ठी हो जाती है और वो लैंड ख़राब हो जाती है। फिफ्थ है इंडस्ट्रियल वेस्ट। बड़ी इंडस्ट्रीज है उनका जो वेस्ट है वो जमीन पर सीधा रूप से फेंक दिया जाता है, जैसे वो लैंड कल्टीवेशन के मतलब की नहीं रह जाती है। तो ये जो कारण हमने देखे हैं इन्हीं कारणों की वजह से लैंड हमारी डिग्रेडेशन हो जाती है, यानी कि बेकार और बर्बाद हो जाती है। तो आप क्या सोच रहे होंगे कि क्या कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा तरीका है जिनसे इस डिग्रेडेशन से हम बचा सकते हैं अपनी लैंड को? कोर्स है, बहुत सारी तरीके भी हैं, ये जानते हैं। पहला है कंजर्वेशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। पहला है एफॉरेस्टेशन, मतलब होता है पेड़ को लगाना, पेड़ काट रहे थे अब पेड़ को लगाना है। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, कैटल्स के लिए जो ग्रेजिंग लैंड है उसको प्रॉपर वे में मैनेज करना। तीसरा है प्रॉपर इरिगेशन, पानी है तो उसे हद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए जितना आवश्यक हो, जितना ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हम स्प्रिंगलेस सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हैं। चौथा है कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज़, माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। पाँचवा है ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डिस्चार्ज, तो इंडस्ट्री का जो वेस्टेज है उसको सही तरीके से और सही जगह पर डिस्चार्ज करना। थे कुछ कंजर्वेशन मेथड जिनके सहायता से हम लैंड का डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, प्लीज़ हमको लिखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।